क्योंकि एक्साइटमेंट अभी चाहिए, पटाखे आ चुके हैं उसके, बूम बम बम। नहीं, हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आई होप आप काफ़ी अच्छे होंगे, मैं भी काफ़ी अच्छा हूँ। तो सुबह में बिल्कुल ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया था, अभी शाम को स्टार्ट किया। सुबह में इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि सुबह में ठंड पड़ती है एंड 7 बजे तक उठ जाते हैं। बट हमारे जो पटाखे क्यों नहीं लाए? तो ये बोल रही है आप पटाखे क्यों नहीं लाए भाई। तो अब मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है शाम को ही, और तो पटाखे क्यों नहीं लाए अभी थोड़ी देर के लिए चुप रहेगी, मुझे थोड़ी कुछ बोल देना चाहिए। तो मैंने सुबह बिल्कुल ब्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि सुबह में बहुत ठंड सी रहती है एंड वक्त कब बीत जाता है, 9 कब बज जाता है वो तो पता ही नहीं चलता। तो इसलिए मैंने सुबह में ब्लॉग नहीं स्टार्ट किया, अभी जाके शाम को ही जॉब से आया तब स्टार्ट कर दिया है। एंड अभी फ़िलहाल मेरे पास तुषा भी आ गई और वो बोल रही पटाखे क्यों नहीं लाए भाई, पटाखे तेरे आ जाएंगे आज। तो नहीं आए तो आज आ जाएंगे फाइनल, नहीं आएंगे तो कल सुबह हम खुद जाएंगे और लेके आएंगे। ओके, तो आज शाम तक आपके पटाखे आ ही जाएंगे फाइनली, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। अगर आए तो, नहीं आए तो कल आपको दिखा ही देंगे। सबको हैप्पी दिवाली, मेरी तरफ से भी हैप्पी दिवाली, तुषा की तरफ से भी, हमारी ऑल, हमारी पूरी फैमिली के तरफ से हैप्पी दिवाली आप सबको। हैप्पी दिवाली। एंड आशु भी आ गई साथ में, आशु बोल दे हैप्पी दिवाली सबको। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, यहाँ पर हैप्पी दिवाली। तो हैप्पी दिवाली मेरी तरफ से आपको, हैप्पी दिवाली एंड लव यू ऑल। यूट्यूब फैमिली को ढेर सारी शुभकामनाएं दीपावली के शुभ दिन पे। क्या बना रही है, क्या बना रही है? गागड़ी। इसको गागड़ी बोलते हैं हमारी भाषा में। तो ये क्या होता है, इसमें एक दिया रखेंगे बीच में और पूरे हमारी जो पैसों है, मतलब घर है, सभी जगह पर उसको जैसे आरती करते वैसे ही तरह गोल गोल घुमाएंगे सिर पे सबके, फिर उसको रख देंगे बाहर। और रखते नहीं है तो जो पटाखे जलाते हैं ना, जिस जहाँ पे जो पटाखे जलाते हैं ना, जिस जगह पे, इस जगह पे दीवार लगा के और ऐसे मिट्टी में खादा करके अंदर, क्या मिट्टी के अंदर खड्डे में करके ये खड़ी कर देते हैं। हाँ, कुछ इस तरह के। और तो इसमें दीवार जलता है ना, ऐसे पटाखे एक एक करके ऐसे करके तो ये बता रही है कि इसमें दिया होगा, फिर ये जलाएंगे फिर उससे पटाखे फोड़ेंगे। तो दिया यहाँ पर रखेंगे और दूर फेंकेंगे पटाखे, तो कुछ इस तरह का है। तो वो भी हम कल शाम को आपको दिखाएंगे क्या करते हैं। गलत पटाखा ले आइए, लाडू गलत पटाखा ले आइए। सो गाइस, ये इतना शोर कर रही है तो फिलहाल अभी मुझे थोड़ा स्टॉप करना पड़ेगा। लाडू गलत। तो गाइस, अभी हम हमारे घर की थोड़ी साइड्स में बैठे हैं, हमारे पास में खटला बोलते तो उसको यहाँ पर रख दिया है और हम इसमें बैठ चुके हैं एंड यहाँ पर व्लॉग कर रहे हैं शूट। और बाहर मस्त, क्योंकि अभी उजाला है तो मस्त प्रकाश आती है। मेरी तरफ से सबको हैप्पी, कितनी बार बोलोगे, कितनी बार बोलोगे, सबको पता है आपकी तरफ से बोल दिया है। तो सब तेल ही पूरा थे भाई, ऐसा नहीं कोई नहीं जी पूर किया था, ऐसा ही होता है, तेल के दिए ही होते। तो गाइस, अभी शाम हो चुकी है, देखो तो अभी थोड़े चलते हैं यहाँ पर, आसपास में घूमते हैं। ये क्यों ले आए नीम के पत्ते हैं आशु? ये बनाने के लिए लाई थी क्या? मुझे भी ऐसे बनिया लोगे? ये ले लो और भैंस को दे दो। अभी हमारा मनी प्लांट देखो मस्त ग्रोइंग कर रहा है, पर इस पर मिट्टी ज़्यादा होती है, देखो इस पर ये बहुत ही अच्छी ग्रोइंग हो रहा है मनी प्लांट। चलो अब हमारी भैंसों के पास चलते हैं। टोकर बुकर ले लो, इसमें खोन है। चलो चलो, अब पीछे जाएंगे हमारी भैंसों के पास, चलो
चलो चलो पहले ये सब पत्तियों हटा लो, उठा के चलो हमारे भैंसों को खिलाने के लिए ले लो। अशु ये पत्तियों उठा लो, चलो फटाफट चलो, ये दोनों सब पत्तियों उठा लेंगे फिर हमारी भैंसों को डाल देंगे। और इतनी देर में मैं थोड़े वहाँ से हमारा घास कटिंग कर लेता हूँ, फिर हम जाएंगे पीछे। चलो यहाँ से हम थोड़ा कटिंग कर लेते हैं घास। यहाँ पर हमारा घास है तो इसमें से थोड़ा कटिंग कर लेते हैं, क्योंकि खाने के लिए रात को देना पड़ता है। मैंने कल आपको बताया था कि कुछ इस तरह का। तो ये घास है, यहाँ पर सभी ने घास रखा है, देखो सभी के लिए, भैंसों के लिए रखा है, क्योंकि अभी बहुत ठंड पड़ने वाली है। तो थोड़ी कटिंग कर लेते हैं घास पहले, तो रात के लिए। घास के छोटे छोटे टुकड़े हो चुके हैं फिलहाल, अब भैंसों के पास भी रात को ले जाएंगे, क्योंकि अभी नहीं ले जाएंगे। रात को जब खाना देंगे तो ये यूज़ होगा, और दूसरी ग्रीन वाली घास हरी भरी खेतों से लाए वही होगी। तो अभी फ़िलहाल हम जाएंगे पीछे। त्रुषा एंड आशु तो पहले से चल पड़े हैं पीछे, तो अभी हम जाएंगे भैंसों के पास। अपन ना ट्रैक्टर फंस गया है, देखो ये ट्रॉली पूरी फंस चुकी है, जो कि ऑर्गेनिक खातर भैंसों का गोबर है, तो ये भर के खेत में डालते थे, तो फंस गया है। यहाँ पानी का आवरा होगा शायद, तो उसमें फंस गया है। तो यह दूसरा ट्रैक्टर ला के यहाँ पर लगा रहे हैं, देखते भाई अब कितने टाइम में निकलता है। पार्टी देखने के लिए आ चुके हैं, एंड एक तीसरा भी ट्रैक्टर आ चुका है, तो अभी तक निकला नहीं और अंधेरा भी होने वाला है, काफ़ी अंधेरा होने वाला है। अभी तीन ट्रैक्टर आ गए हैं और साथ में ही यहाँ पर तीन ट्रैक्टर, तीनों तीन जोर कर रहे हैं। हाँ है ये काफ़ी, चलो फाइनली निकल चुका, तो निकल चुका है, शोर कर रहे हैं सब लोग, तो फिलहाल निकल चुका है, चलो घर चलते हैं। अब फाइनली हम घर आ चुके हैं, एंड यहाँ पर मिर्ची की कटिंग भी करनी है, तो अभी हम मिर्ची की कटिंग करेंगे। तो ये रही मिर्ची, तो उसकी कटिंग भी करनी है, तो अभी कटिंग करने के लिए बैठे, चलो फटाफट से कटिंग करते हैं, क्योंकि एक्साइटमेंट। अभी ठीक है, पटाखे आ चुके हैं उसके, बूम बम बम, नहीं आशु के पटाखे आ चुके हैं, इतना है, बस इतना है। अबे यार इतने तो काफी है बच्चों, काफी है, मैंने बोला था ना आ जाएंगे। आ चुके फाइनल, क्या क्या है मुझे बताओ एक एक। आप देख लो ना, पटाखे है, सब कुछ है, फुलझड़ी है, सब है। ये किसने निकाला, ये तो चालू हो चुके, जो चालू पड़ चुके, अभी दिवाली कल है तो आज से स्टार्ट कर दिया उन्होंने। तो अभी 8 बज चुके हैं रात के, एंड काफी लेट खाने में आज बैठा हूँ मैं, सबने तो खा लिया फिलहाल, तो मैं बाकी हूँ। एंड आज खाने में बनी है, मैंने थोड़ी सब्जी ली है, थोड़ी ली है, एंड पूरी है, तो इस डिब्बे में पूरी है, एंड यहाँ पर रोटी है हमारी, एंड दूध है। तो कम्प्लीटली खाना खा लेते हैं, फिर आपको मिलते हैं। फिलहाल तो खाना भी हो चुका था, तो फिलहाल तो करते हैं इस ब्लॉग का एंड। आई होप पसंद आया होगा, तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।